विद्यार्थी मित्रों और मेरे साथी शिक्षक मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। लोअर लिम के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि लोअर लिम जो है उसमें 30 बोन्स होते हैं, लेकिन आज ये जो लेक्चर है इसमें इन जो 30 जो बोन है उसमें से जो दो बोन हैं हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम फीमर का डिस्कशन करेंगे और जो टेला जो है स्पेलिंग तो वैसे PATELLA है, लेकिन पटेला नहीं कहेंगे हम इसको, टेला कहेंगे। तो ये लेक्चर में हम फीमर और टेला के बारे में बात करेंगे और बाकी के जो 28 जो बोन हैं, तो जैसे कि टीबिया फिब्यूला हो गया, टार्सल मेटाटार्सल, फिर फैलेंजिस, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। देखिए, वैसे तो मुझे भी पसंद नहीं कि मैं पार्ट्स में लेक्चर लूँ, लेकिन क्या है कि डिटेल ही इतनी बढ़ रही थी, पॉइंट इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए ये जो लेक्चर है इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ रहा है। शुरुआत कर रहे हैं, पहला जो पॉइंट है स्क्रीन पे आ रहा है तो यहाँ पे आप देखिए, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं हाँ ठीक है। तो लोअर लिम जो है उसमें कुल, मैंने आपसे कहा कुल 30 बोन होते हैं और ये चार जगह पे होते हैं, द फीमर इन द थाई। यहाँ पे आप देखोगे द फीमर इन द थाई, तो ये जो दिखाया है ये जो है ये फीमर है, ठीक है, और ये हमारा थाई जो है उसमें होता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये जो है ये फीमर, तो जो थाई, थाई का मतलब होता है हमारी जो जांग होती है, जांग के अंदर जो बोन है उसी को हम फीमर कहते हैं, ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो, दूसरा जो होता है वो होता है टेला। टेला जो है उसको नी कैप भी कहते हैं। तो लोअर लिम में हमने एक तो फीमर की बात करी, दूसरा जो है टेला। आप टोटल जो है, टोटल आपको 30 जो है वो कैसे होता है, वो आपको 30 का टोटल आपको करना है, ठीक है। मैंने आपको कहा फीमर, तो फीमर एक, अब उसमें अब ऐड करते जाना, ठीक है। फीमर एक हुआ, फिर टेला एक, ठीक है। उसके बाद टीबिया एंड फिब्यूला, तो देखिए जो लेग है, जो हमारा पैर है उसमें टीबिया एंड फिब्यूला, ये कितने हुए, दो हुए, ठीक है। अच्छा, फिर जो एंकल जो है, ठीक है, तो उसमें 7 टार्सल होते हैं, ठीक है। एंकल यानी हम क्या बोलते हैं, एड़ी बोलते हैं, एड़ी, तो एड़ी को क्या बोलते हैं, टार्सस या तो एंकल। उसमें कितने बोन हैं, 7 हैं। और फिर हमारे पाँव का जो पंजा जो ज़मीन पे रख के हम जब चलते हैं, ठीक है, तो वो जो पार्ट है उसको बोलते हैं मेटाटार्सस। मेटाटार्सस में 5 बोन होते हैं और हमारे जो पैरों की जो उंगलियाँ हैं तो उसमें 14 फैलेंजेस। यहाँ पे आप देखोगे तो 14 जो है, 14 फैलेंजेस है, ठीक है। पाँव की उंगलियाँ जो हैं वो 14 हैं और उनमें जो बोन है वो है फैलेंजेस, वो 14 होते हैं। तो 4 पॉइंट जो थे वो ख़त्म हो गए, ठीक है। पहला पॉइंट ये था, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा पॉइंट। अब जो पांचवा जो पॉइंट है उस पे हम आते हैं, फीमर के बारे में बात कर रहे हैं। पहले फीमर आप ध्यान से देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक का है फीमर। ये जो है पूरा, ये इस तरह से फीमर है। तो फीमर जो होता है, देखिए टाइटल क्या है, स्केलेटन ऑफ द थाई फीमर। फीमर जो है
उसको थाई बोन भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट, सबसे लंबा और सबसे भारी होता है। ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे, शरीर का सबसे बड़ा, लंबा और सबसे भारी जो बोन है वो कौन सा है? फीमर बोन है, या तो जिसे हम थाई बोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये फीमर दिखा दिया। ठीक है, अब जो छठा जो पॉइंट है उसके ऊपर आते हैं हम। देखिए, फीमर का आगे का जो एंड है वो हिप बोन के एसिटाबुलम के साथ में जुड़ता है। दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है, देखिए यहाँ पे लिखा है हेड ऑफ द फीमर, और ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए सरफेस ऑफ एसिटाबुलम, ये एसिटाबुलम का सरफेस है। तो ये वाला जो है ये इसके अंदर फिट हो जाता है। मैं दूसरा जो फिगर है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे आप देखोगे, ये देखिए है ना, फीमर का जो हेड है वो किस तरह से यहाँ पे फिट हो गया है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे फिट हो जाता है। तो 6 नंबर का जो पॉइंट है, ठीक है, उसका जो आगे वाला जो छोर है, जो हेड है, वो हिप बोन का जो एसिटाबुलम है उसके साथ में जुड़ता है। ये 6 नंबर का पॉइंट है। अब 7 नंबर का जो पॉइंट है उस पे हम आते हैं। देखिए, फीमर का जो दूर वाला जो छोर है, डिस्टल एंड जो है, वो टीबिया और टेला के साथ में जुड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है ये फीमर का डिस्टल एंड है, और ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है? ये जो है ये है ना, ये क्या है? तो ये जो है ये टीबिया है ये, और ये डिस्टल एंड दूसरा किसके साथ में जुड़ेगा? तो जो टेला है उसके साथ में भी जुड़ता है। आप यहाँ पे देखोगे पूरा इतना, तो बात आपको समझ में आ जाएगी। ये 7 नंबर का पॉइंट। 8 नंबर का जो पॉइंट है उस पे हम आते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है? हिप जॉइंट है, उसका रेडियोग्राफ यानी कि जो एक्सरे कहते हैं वो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए हिप जॉइंट बताया है। तो 8 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है? द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फीमर कंसिस्ट ऑफ राउंडेड हेड। कहाँ है राउंडेड हेड? ये राउंडेड हेड हो गया फीमर का। आर्टिकुलेट विद द एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन, ये जो है ये एसिटाबुलम हुआ हिप बोन का। तो यहाँ पे ये जो जॉइंट बन रहा है इतना, ये जो जॉइंट बना इसको क्या कहते हैं? इस जॉइंट को हिप जॉइंट या तो कोक्सल जॉइंट कहते हैं। 8 नंबर का पॉइंट। अब जो 9 नंबर का जो पॉइंट है उस पे हम आते हैं। देखिए क्या लिखा है, हेड कंटेन्स स्मॉल सेंट्रल डिप्रेशन। कहाँ है? ये रही हेड में स्मॉल सेंट्रल डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है गड्ढा, छोटा गड्ढा जैसा, पीट पीट यानी खड्डा है ना, या तो गड्ढा। ठीक है, तो ये जो पीट है इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? फोविया कैपिटिस। ठीक है, ये फोविया कैपिटिस जो है वो क्या करता है? तो इससे क्या होता है, ये फोविया कैपिटिस जो है यहाँ से लिगामेंट होता है, और वो लिगामेंट जो है वो एसिटाबुलम के साथ में जुड़ता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वो लिगामेंट किस तरह से जुड़ता है वो। तो आगे भी जो फिगर था इसमें आप देखोगे, देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें देखिए आप, देखिए लिगामेंट लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, ये जो लिगामेंट है ये दोनों एक, ये देखिए यहाँ पे
ये लिगामेंट किसके साथ में जुड़ रहा है, तो ये एसिटाबुलम के साथ में जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है वो कट करके बताया है कि नहीं, क्योंकि ये सिर जो है, हेड जो है उसको बाहर निकाला है, इसलिए वो काट के बताया है, वरना ये जो है ये जुड़ा हुआ है इस तरह से, लिगामेंट जो है ऐसे जुड़ा होता है ऐसा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था 9 नंबर का, उसमें हेड जो है उसके बीच में जो पिट होता है उसका नाम, पिट में से क्या लिगामेंट, और वो जो लिगामेंट है वो एसिटाबुलम के साथ में जुड़ता है। 10 नंबर का जो पॉइंट है उसके ऊपर अब आते हैं, अब नेक की बात कर रहे हैं, नेक कहाँ है पहले, ये जो है तो यहाँ पे ये जो है ये नेक, तो नेक ऑफ द फीमर इज अ कंस्ट्रिक्टेड रीजन, ये जो है ये कंस्ट्रिक्टेड रीजन है, डिस्टल टू द हेड, ये रहा हेड ये जो है ये हेड तो हेड से दूर जो कंस्ट्रिक्टेड रीजन है उसको क्या कहते हैं, नेक कहते हैं, ठीक है। अच्छा 11 नंबर का जो पॉइंट है उसके ऊपर अब हम आते हैं, देखिए 11 नंबर के पॉइंट में क्या कह रहे हैं, नाम याद रखेंगे, ग्रेटर ट्रोकंटर एंड लेसर ट्रोकंटर आर प्रोजेक्शन फ्रॉम द जंक्शन ऑफ नेक एंड साफ, देखिए ये क्या है, ये नेक, और ये क्या है, ये है साफ्ट, साफ्ट या बॉडी, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं साफ्ट या तो बॉडी। तो नेक और बॉडी जहाँ पे जुड़ते हैं वहाँ पे क्या है, आप देखोगे तो ये ऐसा है ना उभरा हुआ विस्तार है, ये उभरा हुआ विस्तार ऊपर की ओर जो है उसको क्या बोलते हैं, हम जो ऊपर की ओर है उसको बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकंटर, और नीचे भी ऐसा उभरा हुआ जो एरिया है उसको बोलते हैं लेसर ट्रोकंटर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, नेक और बॉडी के बीच में क्या होता है, ग्रेटर ट्रोकंटर और लेसर ट्रोकंटर होते हैं, जो क्या होते हैं, प्रोजेक्शन है, उभरे हुए एरिया है, ठीक है। अच्छा ये जो ट्रोकंटर हैं, ये ग्रेटर ट्रोकंटर और लेसर ट्रोकंटर वो क्या करते हैं, तो देखिए सर्व एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द टेंडन ऑफ सम ऑफ द थाई एंड बटक मसल, ठीक है। ये जो दोनों जो ट्रोकेंटर हमने देखे वो क्या करते हैं, थाई और बटक मसल जो है उनके जो टेंडन हैं उनके लिए वो अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, और जो ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है वो तो काफ़ी उभरा हुआ होता है, ठीक है, और जो हिप का जो साइड है, ठीक है, उसमें आगे की ओर उसको देखा जा सकता है ग्रेटर ट्रोकेंटर को, ठीक है। 12 नंबर का जो पॉइंट है उसमें हम अब बात कर रहे हैं, देखिए क्या लिखा है, द एक्सपांडेड डिस्टल एंड ऑफ फीमर इंक्लूड्स, पहले तो आप ये समझिए ये जो है, ठीक है, ये फीमर है और इसका डिस्टल एंड है, डिस्टल यानी दूर का, तो यहाँ पे क्या होता है डिस्टल एंड पे, मीडियल कॉन्डाइल, ठीक है, एक्सपांडेड यानी फूला हुआ, डिस्टल यानी दूर का, फीमर का फूला हुआ दूर का जो विस्तार है उसमें क्या होता है, कौन सी रचना होती है, तो मीडियल कॉन्डाइल होता है। कहाँ है मीडियल कॉन्डाइल, नाम लिखा है ये मीडियल कॉन्डाइल, ये देखिए आप, ये रहा मीडियल कॉन्डाइल एंड लेटरल कॉन्डाइल, तो ये देखिए ये जो है नाम लिखा है लेटरल कॉन्डाइल, कहाँ है लेटरल कॉन्डाइल, ये जो है वो लेटरल कॉन्डाइल है। मीडियल कॉन्डाइल जो है उसको क्या कहते हैं, नकल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा दिस आर्टिकुलेट विद द मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टीबिया, कौन
फीमर का मीडियल कॉन्डाइल, फीमर का लेटरल कॉन्डाइल किसके साथ में जुड़ते हैं? तो टीबिया का मीडियल कॉन्डाइल, और ये जो है ये टीबिया का ये जो पार्ट है ये बोलते हैं टीबिया का लेटरल कॉन्डाइल, है ना। तो अभी आपको आया समझ में पूरा पॉइंट? फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि फीमर जो है, फीमर का ये जो है पार्ट, ये कैसा है? डिस्टल है, डिस्टल यानी दूर है और फूला हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है? मीडियल कॉन्डाइल होता है और लेटरल कॉन्डाइल होता है। ये मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल जो हैं वो किसके साथ में जुड़ते हैं? तो जो टीबिया है, टीबिया का मीडियल कॉन्डाइल और टीबिया का लेटरल कॉन्डाइल, उसके साथ में। तो कहने का मतलब ये दोनों जुड़े हैं और ये दोनों जुड़े हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये है, ये 12 नंबर का पॉइंट है, और ये जो है, ठीक है, ये जो है इसका फिगर है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ये व्यू भी देखना, ठीक है। ये कौन सा व्यू है? राइट नी, है ना, इन्फ्लेक्शन, एंटीरियर व्यू। और यहाँ पे आप देखोगे तो राइट नी इन एक्सटेंशन, पोस्टीरियर व्यू। और ये तो ये 12 नंबर का पॉइंट था। अब 13 नंबर का जो पॉइंट है, अब देखिए ये टीबिया है, देखिए यहाँ पे टाइटल लिखा है टीबिया एंड फिब्यूला। इसमें जो यहाँ पे आप देखिए तो आपको वो पता चल जाएगा, ठीक है। ये है ना मीडियल कॉन्डाइल, और ये टीबिया का लेटरल कॉन्डाइल, ठीक है। ये जो है लेटरल कॉन्डाइल यहाँ पे दिखा है इस तरह से। तो 13 नंबर का जो पॉइंट है, अब उस पे हम आते हैं। अब देखिए अब क्या लिखा है, सुपीरियर टू द कॉन्डाइल, कॉन्डाइल के ऊपर मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल। देखिए फिर से, सुपीरियर टू द कॉन्डाइल आर द मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल। ये जो है, ये क्या है देखना, ये क्या है मीडियल कॉन्डाइल है, ये जो है ये क्या है लेटरल कॉन्डाइल है। लेटरल कॉन्डाइल जो है उसके ऊपर क्या है, ये पार्ट लेटरल एपिकॉन्डाइल है, और जो मीडियल कॉन्डाइल है उसके ऊपर क्या है, मीडियल एपिकॉन्डाइल है। और इनके साथ में क्या होता है, ये जो एपिकॉन्डाइल है उनके साथ में क्या होता है, टू विच लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट अटैच। इसके साथ में क्या है, नी जॉइंट के जो लिगामेंट है वो इन एपिकॉन्डाइल के साथ में जुड़ते हैं। 13 नंबर का पॉइंट, ठीक है। और ये है फिगर। अच्छा अब अब 14 नंबर का जो पॉइंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए डिप्रेस एरिया, डिप्रेस एरिया यानी क्या है, एक गड्ढा होता है छोटा, ठीक है, कहाँ पे, बिटवीन द कॉन्डाइल्स ऑन द पोस्टीरियर सरफेस इज कॉल्ड पोस्टीरियर, यानी पीछे की सरफेस पे दो कॉन्डाइल के बीच में जो छोटा डिप्रेशन है, जो गड्ढा है, उसको क्या बोलते हैं, इंटर कॉन्डाइलर फोसा। नाम क्या है, इंटर कॉन्डाइलर फोसा, देख लीजिए आप। मीडियल कॉन्डाइल, ये है मीडियल कॉन्डाइल और ये जो है ये लेटरल कॉन्डाइल, उनके बीच में क्या है, तो इंटर, ये है इंटर कॉन्डाइलर फोसा,
है ना। तो 14 नंबर का पॉइंट ये रहा इंटर कॉन्डिलर फोसा। 15 नंबर का जो पॉइंट है उस पे अब हम आते हैं। अब देखिए, टेलर सरफेस इज लोकेटेड बिटवीन द कॉन्डाइल्स ऑन द एंटीरियर सरफेस। यहां पे आप देखोगे तो ये जो है इतना पार्ट तो वो लेटरल कॉन्डाइल, और ये जो है, ये जो है वो मीडियल कॉन्डाइल है, ठीक है कि नहीं। ये वाला इतना पार्ट, ये जो है ये मीडियल कॉन्डाइल, ये जो है ये लेटरल कॉन्डाइल। तो टेलर सरफेस जो है ना, ये जो है ये किसके ऊपर है, टेला जो है वो किसके ऊपर आई हुई है, ठीक है। लोकेटेड बिटवीन द कॉन्डाइल्स ऑन द एंटीरियर सरफेस, तो मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल जो है उसके ऊपर ही ये जो टेला है वो है ना। इसकी पोजीशन कहाँ है वो आप देखिए, ठीक है। तो आप देखिए, आप देखोगे तो पता चलेगा कि भाई इसका ये टेला जो है उसका सरफेस किसके ऊपर जा रहा है, मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल के ऊपर है। वो बात है 15 नंबर के पॉइंट में। 16 नंबर का जो पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं। देखिए, जस्ट सुपीरियर टू द मीडियल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल कहाँ है, ये रहा मीडियल एपिकोंडाइल, उसके ऊपर, जस्ट सुपीरियर टू द मीडियल एपिकोंडाइल इज द एबडक्टर ट्यूबरकल। तो ये जो है ये क्या है, एबडक्टर, एबडक्टर ट्यूबरकल है। और ये एबडक्टर ट्यूबरकल जो है वो क्या है, अ रफ प्रोजेक्शन दैट इज अ साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर द एबडक्टर मैग्नस मसल। तो यहाँ पे इसके साथ में कौन जुड़ता है, एबडक्टर मैग्नस मसल जो है वो इसके साथ में जुड़ते हैं, एबडक्टर ट्यूबरकल के साथ में, ठीक है। तो ये जो है ये 16 नंबर का पॉइंट है। तो ये मीडियल एपिकोंडाइल, उसके ऊपर एबडक्टर ट्यूबरकल, उसके साथ में एबडक्टर मैग्नस मसल जो है वो जुड़ते हैं। 17 नंबर का जो पॉइंट है अब उस पे हम जाते हैं। यहां पे तो फीमर की जो जो बातें थी, फीमर के बारे में जो जो डिस्कशन था वो हमने कर लिया। 1 से 16 जो डिस्कशन था वो सारा फीमर के बारे में था। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए तो टाइटल भी लिखा हुआ है कि स्केलेटन ऑफ थाई, है ना, जो टेला है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लू कलर में टेला दिखाई है, ठीक है। टेला का मतलब होता है लिटल डिश, छोटी डिश जैसी होती है, या तो उसका दूसरा नाम नी कैप भी है। और उसका शेप कैसा है, तो स्मॉल ट्रायंगुलर बोन, आप देखोगे यहाँ पे छोटा ट्रायंगुलर बोन है ये, ठीक है। लोकेटेड एंटीरियर टू द नी जॉइंट, जो हमारे घुटनों का जो जॉइंट है वहाँ पे ये पाई जाती है, घुटनों के जॉइंट पे ये पाई जाती है, ठीक है, टेला। तो ये 17 नंबर का पॉइंट था। अब जो 18 नंबर का जो पॉइंट है उस पे आते हैं। 18 नंबर में बेस जो है और एपेक्स है उसकी बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, द ब्रॉड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ दिस सेसमोइड बोन, नाम याद रखेंगे, दूसरा जो नाम है टेला के लिए इसको सेसमोइड बोन भी कहते हैं। तो ये जो ब्रॉड एंड है उसको नाम क्या बोलते हैं, उसका नाम ये जो है ब्रॉड एंड है ना, ये जो ब्रॉड है, ये ब्रॉड एंड जो है इसको हम बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। और ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे डेवलप होता है,
बीस का डेवलपमेंट विच डेवलप्स इन द टेंडन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फेमरिस मसल. ठीक है, बेस जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो टेंडन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फेमरिस मसल उसके बीच में ये बेस का डेवलपमेंट होता है ना. तो ये 18 नंबर का जो है पॉइंट, उसके बारे में हमने बात करी. 19 नंबर का जो पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं, एपेक्स के बारे में. द पॉइंटेड डिस्टल एंड इज रिफर्ड टू एज एपेक्स. ये जो है, ठीक है, पॉइंटेड डिस्टल एंड, इसको एपेक्स कहते हैं. तो ये जो है, ये एपेक्स दिखा दिया, यहाँ पे भी आपको एपेक्स दिखा दिया. 20 नंबर जो है उसकी हम बात करते हैं. देखिए, अब 20 नंबर में यहाँ पे दो सरफेस हैं. ये आप देखोगे टेला का, ये जो है ये एंटीरियर व्यू है और ये जो है ये पोस्टीरियर व्यू है. अब ये पोस्टीरियर व्यू जो है वो आप समझिए, आप ये जो है ये टेला यहाँ पे है, ठीक है. अरे इसको हम यहाँ से उखाड़ के, इसको यहाँ से निकाल के फिर उल्टा करके देखते हैं तो वो कैसी दिखेगी आपको, तो वो इस तरह से दिखेगी कि नहीं, तो वो इस तरह से. तो ये पोस्टीरियर व्यू हुआ. अच्छा, पोस्टीरियर सरफेस में क्या है, टू आर्टिकुलर फैसेट है, एक ये है और एक ये है, ठीक है. ये दोनों फैसेट किस में जुड़ते हैं, देखिए इस फैसेट का नाम क्या है, आर्टिकुलर फैसेट, ठीक है. ये क्या है, ये भी आर्टिकुलर फैसेट. ये आर्टिकुलर फैसेट किसके साथ में जुड़ेगा, तो ये मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल, ये हमने अभी आगे देखा था, मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल के साथ में जुड़ता है ये पार्ट. और ये जो आर्टिकुलर फैसेट है ये किसके साथ में जुड़ेगा, तो लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल जो है उसके साथ में जुड़ेगा, ठीक है कि नहीं. तो यहाँ पे देख लीजिए, है ना, ये देखिए वो जो फैसेट है ना, वो किसके साथ में जुड़ रहे हैं, ठीक है. ये जो टेला है पीछे से इन के साथ में जुड़ेंगे, ठीक है. तो ये जो है, ये 20 नंबर का पॉइंट था. अब 21 नंबर का जो पॉइंट है उस पे आते हैं. ये रहा, अब क्या कहते हैं, द टेलर लिगामेंट अटैचेस द टेला टू द टीबिया, टीबियल ट्यूबरोसिटी. पहले तो टेला कहाँ है, ये टेला है, ठीक है. फिर टीबियल ट्यूबरोसिटी कहाँ है, ये जो पार्ट है, ये उभरा हुआ पार्ट, ये टीबियल ट्यूबरोसिटी है. तो द टेलर लिगामेंट, तो इनके बीच में जो लिगामेंट है ना यहाँ पे, वो लिगामेंट का नाम क्या है, ये हुआ टेलर लिगामेंट. तो टेलर लिगामेंट किसको जोड़ता है, टेला और टीबियल ट्यूबरोसिटी को जोड़ता है. ये 21 नंबर का पॉइंट. अब जो 22 नंबर का जो पॉइंट है उस पे आते हैं. देखिए, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, पहले तो जो जॉइंट है उसका नाम टेला फीमोरल जॉइंट. ये टेला फीमोरल जॉइंट जो है वो किसके बीच में है, तो बिटवीन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेला, ये टेला, ये रही टेला, इसकी पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है. पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेला
एंटेलर सरफेस ऑफ द फीमर, ठीक है। तो ये क्या है, ये फीमर है, और ये फीमर का क्या हुआ, ये फीमर का टेलर सरफेस, टेलर का टेला जो है, टेला का पोस्टीरियर सरफेस और फीमर का टेलर सरफेस, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है, इस जॉइंट को टेलो फीमरल जॉइंट कहते हैं। और ये जो टेलो फीमरल जॉइंट जो है वो इंटरमीडिएट कंपोनेंट ऑफ दी टिबियो फीमरल जॉइंट, यानी ये जो जॉइंट है टेलो फीमरल जॉइंट, वो भी क्या है, नी जॉइंट का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ये जो था, ये पॉइंट जो है टेलो फीमरल जॉइंट, पूरा फिगर जो है वो अच्छे से देख लीजिए आप, ठीक है। ये जो थियरी का पॉइंट है, ये थियरी का पॉइंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है थियरी का पॉइंट, और उसके लिए ये जो है वो फिगर है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको, देखिए ये जो जॉइंट है वही का वही जॉइंट टेल, ये जॉइंट है ना टेलो फीमरल जॉइंट, वो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, देखिए। तो ये जो जॉइंट हुआ, ये क्या है, टेलो फीमरल जॉइंट, ये है टेला, और ये जो है ये फीमर है। तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है वो टेलो फीमरल जॉइंट। इस लेक्चर का जो अब आखिरी पॉइंट है वो, अब टेला जो है, टेला क्या करती है, इंक्रीज इज द लेवरेज ऑफ टेंडन ऑफ द क्वाड्रिसेप फीमरिस मसल, ये फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन फंक्शंस ऑफ टेला, टेला जो है वो क्या काम करती है, ठीक है कि नहीं। तो टेला क्या करती है, इंक्रीज द लेवरेज ऑफ द टेंडन ऑफ द क्वाड्रिसेप फीमरिस मसल, मसल का नाम क्या है, क्वाड्रिसेप फीमरिस मसल, उसका उसके टेंडन, उसके टेंडन के लेवरेजेस जो है, लेवरेजेस यानी उसकी मूवमेंट को बढ़ाती है ना, वो अच्छे से मूवमेंट कर सकते हैं, अटैचमेंट के, अटैचमेंट भी प्रोवाइड करती है टेला, मूवमेंट जो है वो भी पॉसिबल हो सकता है टेला की वजह से, ठीक है। फिर और क्या करती है टेला, मेंटेन्स द पोजीशन ऑफ द टेंडन व्हेन नी इज बेंड, जब हमारा घुटना जो है वो मुड़ा हुआ होता है तब टेंडन की जो पोजीशन है उनको मेंटेन करना, उनको बरकरार रखना, वो काम करती है टेला, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट्स द नी जॉइंट, हमारा जो घुटने का जो जॉइंट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी टेला करती है, ठीक है। जाने से पहले सारे, अच्छा यहाँ पे देखिए लेक्चर में बहुत सारे वो नाम आते हैं मसल के, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं ये, ठीक है, जो घुटना जो है हमारा, नी जॉइंट है, उसमें कौन कौन से मसल है, टेंडन है, उनके बारे में अगर आपको इंटरेस्टेड, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी है कुछ, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, यहाँ पे भी है ये फिगर, देखिए। फिर ये नी इंटीरियर व्यू, ठीक है,
पूरा आराम से देखोगे तो बातें आपको समझ में आएंगी। तो ये भी है, ठीक है। ये टेला, ठीक है, सारे जो नाम है आप देख सकते हो, सारे नाम आपको करने ही हैं, ठीक है। मैंने आगे तो दूसरा बुक में यूज़ किया, ये बुक एनाटॉमी का बुक में से भी आप कर सकते हो, यहाँ पे भी अच्छे फिगर हैं इसमें भी, ठीक है। ये सारे जो नाम हैं वो आपको करने हैं, ठीक है, सारे नाम आपको याद होने चाहिए। तो इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर था, है ना, जो लोअर लिम का हम बात कर रहे थे, पार्ट वन, जिसमें हमने टेला के बारे में बात करी और जो फिब्यूला जो है उसके बारे में हमने बात करी, ठीक है। फिब्यूला, सॉरी, आई एम सॉरी, ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है जिसमें हमने जो फीमर है और जो टेला है उसके बारे में हमने बात करी, और बाकी के जो हैं उसके बारे में हम बाद में जो दूसरा लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। टीबिया, फिब्यूला हो गया वो, उसके बारे में हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है अब यहाँ पे समाप्त हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है इससे आप जो है आपका जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है और आपका जो स्टडी है वो अच्छे से कर पाएंगे। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।